आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, ग्लूकोज के साथ क्रिस्टलीय ओसाजोन व्युत्पन्न के निर्माण निम्न अभिकर्मक से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूकोज से ओसाजोन कैसे बनेगा। तो देखिए, ग्लूकोज के साथ फेनिल हाइड्राजिन की अभिक्रिया कराते हैं। दो मोल फेनिल हाइड्राजिन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ओसाजोन बनेगा। ठीक है, और फेनिल हाइड्राजिन के जो फॉर्मूला है, ये देखिए कैसे होता है। दो मोल लेते हैं, अभिक्रिया का हम एग्जांपल से दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ये एल्डिहाइड समूह है। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर, 5 नंबर और एक होता है 6 नंबर। 1, 2, 3, 4, ये रहा 5 और ये हो गया 6 नंबर कार्बन। टोटल 6 कार्बन है। और फेनिल हाइड्राजिन का फॉर्मूला होता है C6H5NHNH2। जब इसके दो मोल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, दो मोल से अभिक्रिया करके यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, यानी जो हमारा एल्डिहाइड समूह है वहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोसाजोन बन जाता है। ठीक है, पूछा गया कैसे बनेगा, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, फेनिल हाइड्राजिन के साथ कराएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।